राम और सोखा बाबा कटिहार नगर थाना क्षेत्र के हत्या डकैती लूट के कई कांडों में आरोप पत्र रहे हैं और ये कटिहार जेल में थे जहां से इलाज के बहाने सदर अस्पताल आकर और पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गए थे। इसके बाद इन संजीत राम के द्वारा एक अन्य अपराधी डब्लू सिंह के साथ मिलकर एक टाइल्स व्यापारी डब्लू शाह के दुकान पर रंगदारी के लिए आक्रमण किया गया था, जिसमें डब्लू शाह व्यवसायी और एक वीरेंद्र यादव भाजपा नेता को गोली लगी थी और इस कांड में वो वांछित थे। बिहार सरकार के द्वारा इन पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। पुलिस अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कटिहार के नेतृत्व में लगातार छापामारी कर रही थी सूचना के आधार पर, और कल दिनांक 27-28 की रात्रि में गुप्त सूचना के आधार पर मुफस्सिल थानाध्यक्ष, नगर थानाध्यक्ष और पुलिस बल के द्वारा संजीत राम और सोखा बाबा को गिरफ्तार किया। जी, कुल कितने कांडों में वांछित और कुल कितने थानों से फरार? संजीत राम कुल 7 कांडों में, 8 कांडों में आरोप पत्रित रहे हैं और ये अंडर ट्रायल प्रिजनर थे जिन पर स्पीडी ट्रायल के तहत मामला चल रहा था और गवाही पूरी की जा रही थी। इसी क्रम में ये इलाज के बहाने सदर अस्पताल आए और वहां से पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गए। बरामदगी क्या हुआ? कौन से रंगदारी मांगने की अभी तक बात या किसी के द्वारा लिखित शिकायत नहीं की गई थी, लेकिन इनके डब्लू शाह के दुकान पर चढ़ने और रंगदारी मांगने के कारण एक भय व्याप्त था। पुलिस अभिरक्षा से कब फरार हुए? पुलिस अभिरक्षा से यह 27-19 को ये पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था और इनके द्वारा संजीत राम के पास से एक देसी पिस्तौल, 3 .315 का जिंदा कारतूस, एक मोबाइल और नशीली दवाओं का पैकेट